पेन का जितना टाइप्स का सेकंड आता है उनके अंदर और एक टाइप्स का सेकंड सेकंड आता है जिनका नाम है पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम। पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम में क्या चीज बेनिफिट है, फीचर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से अकाउंट को खोल सकते हैं, कौन कौन से अकाउंट को रख सकते हैं, इस अकाउंट खोलने के लिए आखिर में करना क्या होगा, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो पे बताऊंगा, इस वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए अगर आपको आना है, अगर आपको पता करना है तो वीडियो ला सके, किसी भी जगह पर स्किप ना कर। अगर बात करें पीएनबी का पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के बारे में, तो पीएनबी का पीएनबी रक्षक स्कीम एक टाइप्स का सेविंग्स अकाउंट ही होते हैं जो नॉर्मली सिंपल सिर्फ जो जो रक्षक है वही ओपन कर सकते हैं। आप जैसे कि नाम देखकर ऑलरेडी समझ गए हो कि बैंक का नाम ही है पंजाब नेशनल बैंक और अकाउंट का नाम है रक्षक प्लस स्कीम। रक्षक प्लस स्कीम आखिर में है सिर्फ सिर्फ वही इस अकाउंट को खोल सकते हैं जो नॉर्मली कोई भी सर्विस और अगर कोई भी नॉन सर्विसिंग डिफेंस पर्सनल जो पर्सनल पे रहते हैं सिर्फ वही इस अकाउंट को खोल सकते हैं, उनको रख सकते हैं। आखिर में डिफेंस लाइन मतलब क्या है, डिफेंस लाइन मतलब है जो डिफेंस लाइन का अंदर रहते हैं वो, जहाँ पे लिखा है वर्ल्ड डिफेंस पर्सनल आर एलिजिबल टू ओपन सैलरी अकाउंट अंडर द स्कीम ऑल थ्री विंग्स ऑफ डिफेंस। यानी ऑल थ्री विंग्स ऑफ डिफेंस मतलब ये हुआ कि डिफेंस के मतलब क्या क्या है, डिफेंस कौन सा टाइप से है, किसी किस आखिर में डिफेंस कहा जाता है, कौन आखिर में डिफेंस है, कैसे समझो। डिफेंस के अंदर सबसे पहले आता है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF और ITBP स्टेट पुलिस फोर्स, मेट्रो पुलिस, ये सब जो भी है ये सब ये डिफेंस लाइन के अंदर। मतलब अगर आप एक BSF, एक CRPF, एक CISF, एक ITBP, एक स्टेट पुलिस फोर्स, एक मेट्रो पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, कोलकाता पुलिस, ये सब के अंदर अगर आप हो तो आप भी पीएनबी का पीएनबी रक्षक सेविंग स्कीम को खोल सकते हो, ले सकते हो। इनका अंदर अगर बात करें बेनिफिट का, तो इस अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये अकाउंट टोटली जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं इस अकाउंट को खोलने के लिए। इस अकाउंट पे कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने का जरूरत ही नहीं, आप अगर चाहते हो तो जीरो आप कॉस्ट आपका अकाउंट खोल सकते हो। और इस अकाउंट पे अगर आप एक पैसे भी नहीं रखते हो तो एक पैसे भी आपसे लिया नहीं जाएगा एज ए मिनिमम बैलेंस चार्ज। अगर बात करें कौन कौन इस अकाउंट को खोल सकते हैं, तो कौन कौन सिर्फ और सिर्फ वही इस अकाउंट खोल सकते हैं जो नॉर्मली BSF, CRPF, CISF, ITBP, स्टेट पुलिस फोर्स, मेट्रो पुलिस, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, कोलकाता पुलिस, ये सब जो भी है डिफेंस लाइन के अंदर वही सिर्फ इस अकाउंट को खोल सकते हैं, जो ऑलरेडी बहुत बार बता दिया। अगर बात करें इस अकाउंट का बेनिफिट्स क्या है, तो इस अकाउंट के अंदर आपको पर्सनल डेट कवर्ड देखने के लिए मिल जाएगा 50 लाख रुपीज का। इस अकाउंट के अंदर यार एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा 10 लाख रुपीज तक। यानी जो भी अकाउंट होल्डर होगा उस अकाउंट होल्डर का अगर किसी भी कारण डेथ हो जाता है एज अ यार एक्सीडेंट के दौरान, तो उनका फैमिली को मिल जाएगा 10 लाख रुपीज। परमानेंट टोटल एलिजिबिलिटी का अगर बात करें तो टोटल 50 लाख रुपीज रहेगा। स्वीप फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। इनिशियल थ्रेशोल्ड लिमिट है 10,000 रुपीज मिनिमम स्वीप इन और आउट है 1,000, मल्टीपल्स ऑफ 1,000 रुपीज स्वीप इन कर सकते हैं। नो कैश हैंडलिंग चार्जेस वुड बी लेफ्ट फॉर ट्रांजेक्शंस। पहले ही मैं कह दिया कि इस अकाउंट के अंदर कोई क्योंकि मिनिमल नहीं है, मिनिमल के लिए कोई चार्जेस भी नहीं है क्योंकि एक सैलरी अकाउंट है। अगर बात करें ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिल जाएगा लास्ट 3 मंथ ऑफ नेट सैलरी। यानी नेट सैलरी लास्ट 3 मंथ के अंदर कितना रियायता है उनके ऊपर डिपेंड करके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे मिनिमम सैलरी और पेंशन अमाउंट रहना चाहिए 75,000 से लेकर 3 लाख रुपीज तक लास्ट 3 महीने के अंदर। और भी बहुत सारा फैसिलिटीज है जो नॉर्मल बैंक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। जहाँ पे अगर आप लॉकर रेंट लेते तो लॉकर रेंट के ऊपर 25% का AMC का जो रहेगा उनके ऊपर छूट मिल जाएगा पर ईयर। नेक्स्ट बेनिफिट के अंदर देन अकाउंट के अंदर अनलिमिटेड फ्री DDs POs विद सेलिंग ऑफ 50,000 रुपीज पर फ्री DD और PO आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ्री SMS अलर्ट ट्रांजेक्शन और अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, मतलब
जब भी आप आपका अकाउंट से कोई भी पैसा निकलते हो, कोई भी पैसा रखते हो, तो उनके बाद जो भी एसएमएस आते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं है उस उनसे आप एसएमएस के लिए। जो नॉर्मल एसएमएस रेट का नाम से 15 रुपये से 20 रुपये का अगर नॉर्मल यूजर से लिया जाते हैं, वो आपके अकाउंट से लिया नहीं जाएगा, क्योंकि आप एक डिफेंस। अगर बात करें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, तो इस अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन वो अप्लाई होगा जहाँ पे। और अगर इम्पोर्टेंट फीचर्स के अंदर बात करें, इम्पोर्टेंट फीचर्स के अंदर वही सी बेच जो आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पे एक्स्ट्रा अगर बात करते तो इसके अंदर फ्री डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एडिशनल इंश्योरेंस और डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, डेबिट कार्ड के अंदर इंश्योरेंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा जो आपका अकाउंट को स्पाउस और डिपेंड चाइल्ड के रूप से भी आप मैनेज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यानी इस जगह पे यही है कि जो भी एक अकाउंट ने, क्योंकि पीएनबी रक्षक प्लस सेविंग स्कीम, इसलिए पीएनबी रक्षक सेविंग स्कीम के अंदर आपका जो भी अकाउंट होगा उस अकाउंट के अंदर आप आपका वाइफ को और आपका बच्चे को ऐड कर सकते हो एज अ प्राइमरी अकाउंट होल्डर। तो यही तक आज की वीडियो अपडेट, आशा करते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया। अगर वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर इस पर मत भी लगे, मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को वीडियो बनाने उसमें मिल जाए। सोशल मीडिया।